हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिखा सिंह ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है वेज मोमो, जो कि एक स्ट्रीट फूड है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं वेज मोमोज की रेसिपी बनाना। यहाँ पर हमने एक कप मैदा लिया है, इसमें हाफ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद 1 टेबल स्पून समथिंग ऑयल ऐड करेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसे हाथों से रब करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे इन तीनों चीज़ों को, जिससे कि आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए हमारा ऑयल और सॉल्ट। और हम इसमें हल्का हल्का पानी ऐड करते हुए इसे डो तैयार कर लेंगे हम इसका एक। वैसे हमने इसके लिए नॉर्मल पानी यूज़ कराया है, आप चाहें तो हल्का वार्म वाटर ले सकते हो। हमें इसका एकदम चिकना डो तैयार करना है। हमारा डो एकदम रेडी हो चुका है, एकदम चिकना डो तैयार हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इसके बाद हम अपनी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए हमने 1 कैबेज, 2 कैरेट, ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक, 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस, सॉल्ट। तो चलिए अब हम इसकी स्टफिंग को फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले गैस पर हम एक पैन रखेंगे, इसमें ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून समथिंग। इसके गर्म होते ही हम इसमें अपना जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। ऑयल अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें अपना एकदम फाइन कटा हुआ जिंजर गार्लिक ऐड कर देंगे। गाइस, मैंने यहाँ पर 5 कली गार्लिक की ली है और 1 टुकड़ा जिंजर का, मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया है। इसके अच्छे से भून लेंगे हम इसे। इसके भुनने के बाद हम इसमें कैबेज ऐड कर देंगे। गाइस, मैंने यहाँ पर 1 कैबेज लिया है, मैंने इसे ग्रेट नहीं करा है, मैंने इसे चॉपर में बहुत ही फाइन कट कर लिया है। इसके बाद 2 कैरेट जो ली थी हमने, उसे भी इसी में ऐड कर देंगे। गाइस, आप चाहो तो इसे ग्रेट भी कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर इसमें चॉपर में डालकर अच्छे से बारीक कट कर लिया था। और देखिए हमारी वेजिटेबल कितनी अच्छी चॉप हो चुकी है। फ्राई करने से गाइस इसमें जो भी हमारी कैबेज में मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम इसे 2 मिनट्स के लिए ढककर पकाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है स्टफिंग को, इसका मॉइस्चर ख़त्म होने तक पकाना है। हम इसे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ऐड कर सकते हो, एक से एक अच्छा कलर आ जाता है हमारी स्टफिंग में और टेस्ट भी बढ़ जाता है। इसे अच्छे से पका लेंगे। अब हमारी वेजिटेबल क्रंची हो गई है, इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो गाइस देखिए हमारी स्टफिंग एकदम रेडी हो चुकी है। इसके बाद अब हम इस मोमोज की पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आटे में सूखा मैदा डस्ट करके इसको अच्छे से बारीक छोटी छोटी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। गाइस, इसके लिए हमें बहुत छोटी छोटी लोइयाँ बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी लोइयाँ नहीं करनी है, वरना हमारी पूड़ी मोटी हो जाएगी और मोमोज भी बहुत बड़ा बनेगा। इसलिए आप लोई जितनी छोटी रखोगे उतना ही अच्छा मोमोज तैयार हो जाएगा। आप चाहे एक साथ सारी बना सकते हो या फिर जितने आपको एक बार में बनाने हैं उतने आप बना सकते हैं। और इसी तरह राउंड करके इसको अच्छे से हमें गोल गोल करके रख देनी है अपनी सारी लोइयाँ तैयार करके।
हम सूखे मैदे की हेल्प से उसको अच्छे से छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। पूड़ियाँ गाइस हमें एकदम बहुत ही पतली बेलनी है। हमारी पूड़ी जितनी पतली जितनी बारीक होगी उतनी ही अच्छी लगेगी। यहाँ पर हमने अब सारी पूड़ियाँ बेल ली थी, अब हम इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर अपनी मोमोज के लिए स्टीम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को रखा, उसमें एक ग्लास समथिंग पानी ऐड करा है। इसके ऊपर हम एक छलनी रख देंगे और उसके ऊपर एक प्लेट, और मीडियम गैस पर हम इसे स्टीम आने देंगे। तब तक हम अपने मोमोज तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने पूड़ी को उठाकर रखा है, इसके ऊपर एक चम्मच स्टफिंग। आप स्टफिंग ज़्यादा या कम ऐड कर सकते हो, लेकिन जितनी ज़्यादा मोमोज में स्टफिंग होगी वो उतना ही टेस्टी लगेगा। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक साइड से पूड़ी को उठाते हुए एक प्लेट बनाएंगे, उसके बाद उससे थोड़ी दूर पर हम दूसरी प्लेट्स बनाते हुए उसके पीछे ऐड करते जाएंगे। एक के पीछे एक प्लेट्स बनाकर हम इसी तरह घुमाते हुए इसकी सारी प्लेट्स बना लेंगे, और लास्ट वाली प्लेट्स को पकड़ के हथेली पर रखकर इस तरह राउंड घुमा देंगे। तो देखिए ये हमारे मोमोज तैयार हो गया। इसी तरह हम दूसरी पूड़ी पर स्टफिंग रखेंगे। एक से डेढ़ चम्मच हमें स्टफिंग रखनी है। इसके बाद फिर से हमें साइड से पूड़ी को उठाना है, पहले एक प्लेट बनानी है, दूसरी प्लेट्स को उससे थोड़ी दूरी पर करके उसी के पीछे घुमाते हुए लगाना है। इसी तरह से हम सभी प्लेट्स को एक के पीछे एक लगा देंगे और इसे इसी तरह हथेली पर रखकर घुमा देंगे। और देखिए ये हमारे मोमोज की शेप आ चुकी है। गाइज आप इस तरह से भी बना सकते हो। इस तरह से हमें पूड़ी को उठाना है हाथ पे और साइड्स इसके इस तरह से चिपका देने, एक साइड को दूसरी साइड से, और बाकी की हम प्लेट्स बनाकर जिस तरह हमने पहले करा था पिकॉक शेप में भी हम मोमोज बना सकते हैं। इसी तरह से हमें ये प्रोसेस दोहराना है। और देखिए ये भी हमारी एक थर्ड टाइप है। इसी तरह से हम सभी मोमोज को तैयार कर सकते हैं। आपको बस प्लेट्स बनाना है और उसके साथ आप कैसे भी चाहे उसे शेप दे सकते हो। सेंटर में हमें इसका स्टफिंग को रखना है, उसके बाद इसे मोड़ते हुए इसकी प्लेट्स बनाते हुए हमें इसको एकदम राउंड करके घुमा देना है। ये हमारा सबसे फर्स्ट वाला है जिस तरह से हमने करा था डिज़ाइन। गाइस यहाँ पर हमने सेंटर में अपनी स्टफिंग रख के इसको गुजिया की तरह भर दिया है और चिपका दिया है। इसके बाद हम इसके दोनों साइड्स को पकड़कर इस तरह से तैयार कर लेंगे। ये हमारी तीसरी डिज़ाइन है मोमोज की। और इसी तरह आप अपने मनचाहे आकार में इसको तैयार कर सकते हो। पूरी में स्टफिंग को रखकर अपने मोमोज तैयार कर सकते हो। गाइस बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी पूड़ी एकदम पतली होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जिससे कि मोमो जब हमारा बनकर तैयार हो तो वो एकदम ट्रांसपेरेंट तैयार हो, स्टफिंग दिखे। इससे मैदा भी कच्ची नहीं रहती और अच्छे से स्टीम हो जाता है हमारा मोमोज। तो इसी तरह हमने अपने सारे मोमोज तैयार कर लिए हैं। अब हमें प्लेट हटाकर देखना, हमारा स्टीम हो चुकी है कढ़ाई। हम इसके ऊपर ब्रश की हेल्प से ऑयल लगा देंगे। आप इसकी जगह बटर, देसी घी कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और हम अपने सभी मोमोज को इसी तरह छलनी में रख देंगे दूर दूर करके, और इनके ऊपर भी हम ब्रश से ऑयल लगा देंगे। गाइस अगर आपके पास स्टीमर नहीं हो तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप इसी तरह कढ़ाई में छलनी लगकर भी अपने मोमोज बना सकते हो, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। अब हमने इनके ऊपर ब्रश से ऑयल लगा दिया था और इसे ढक कर रख देंगे। 10 मिनट के लिए हमें इन्हें पकाना है। पहले हम 5 मिनट में इसको उठाकर एक बार देख लेंगे और इन्हें पलट देंगे अच्छे से हाथों से। और फिर से हम इन्हें 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो अब हमारे मोमोज अच्छी तरह से पककर रेडी हैं, अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे।
देखिए हमारे सभी मोमोज रेडी हो चुके हैं और ये हमारे ब्यूटीफुल मोमोज।